मैं आपको परेशान नहीं, आपको खुश करना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मैच्योर होता जा रहा है, हर बात में पापा से पैसे नहीं मांग सकते तुम। अगर तुम जॉब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आपका बेटा शराब बेचता है। रजत मेरा अपना खून है, मेरा बेटा है इकलौता। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या हुआ, मसल्स पेन हो रहे हैं? ला मैं लगा तू। रजत, रजत, अरे क्या स्माइल कर रहे हो? रजत, रजत, अरे यार इसने तो मेरा सपना भी पूरा नहीं होने दिया। उठो, क्या सोच रहे हो? और ये रूम की क्या हालत बना रखी है? पूरा डस्टबिन बना दिया है। और ये गंदे कपड़े यहाँ पे कौन रखता है? ऐसा सारे धोने हैं, और ऐसे ऐसे खाना कौन रखता है? आधा खा के यहाँ पे रखा हुआ है। और सॉक्स, दूसरे सॉक्स का चलो उठो जल्दी, फ्रेश हो जाओ। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं, आपको खुश करना चाहता हूँ। और अब से मैं अपना कमरा खुद ही साफ कर लूंगा। देखा माधुरी, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मैच्योर होता जा रहा है। ओके जान, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, टेक केयर। बाय बेटा। अंकल ऑफिस चले? या लेट्स गो सोनिया। सपने में भी चैन से सोने नहीं देती है यार। लो, कर लिया सपना पूरा।
शर्मा जी, दो डिलीवरी इसी वीक होनी है, एक ट्रक में सामान दिल्ली जाएगा और एक लोकल की डिलीवरी है। मैं आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। ओके मैम। सौरभ, मैंने इसमें बिल्स रख दिए हैं, तुम एक बार क्रॉस चेक कर लो। हेलो, हाँ दीपक जी, आपकी डिलीवरी इसी वीक पहुंच जाएगी। जी थैंक यू। अरे अंकल, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूँ काश मेरा बेटा भी तेरे जैसा मेहनती होता। रजत की माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपने आप को बिजनेस में इतना इन्वॉल्व कर दिया कि उसके ठीक से परवरिश भी नहीं कर पाया। अब पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस वो कैसे संभाल पाएगा। अरे अंकल, आपके गाइडेंस में सीख जाएगा। मेरे माँ बाबा के गुजर जाने के बाद तो आपके गाइडेंस में ही मैंने सब कुछ सीखा है। बेटा, तेरे पिताजी सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि दोस्त से बढ़कर मेरे भाई थे। अपने आप को कभी इस दुनिया में अकेला मत समझना। थैंक यू अंकल। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं अटेंड करके आता हूँ। बाय बाय अंकल। माधुरी आओ आओ बैठो। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ऐसा क्या दिखाना है? कितने सवाल पूछोगी तुम? अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद? आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है, बोलना मत। क्या है? अरे सरप्राइज है तुम्हारे लिए कुछ। क्या है? अरे रुको जरा। बताओ ना जल्दी, बोलो। खोलो। गजरा। वाओ, मुझे पता था कि तुम्हें गजरा बहुत पसंद है। अब लायो तो लगा भी दो। माधुरी, रजत की माँ के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए थैंक यू। रजत किधर है तू? मुश्किल से इंपोर्टेड स्कॉच मंगाई है, जल्दी आ वरना खत्म हो जाएगी। सुन, मेरे लिए बचा के रखना, मैं आ रहा हूँ, वरना तुझे दारू के पैसे नहीं दूंगा मैं, समझा? चल ठीक है, जल्दी आ। हाँ चल, निकल रहा हूँ अभी, आता हूँ। ओके बाय। दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद करो। तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ? अरे मैं तो बस अपनी मीटिंग खत्म करके आ रही थी। वो छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे थे ऐसे चोरों की तरह? अरे एक पार्टी में जा रहा हूँ यार, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। पार्टी में जा रहे हो? सुनना प्लीज, किसी को कुछ बताना मत। अच्छा सुनो ना, मैं भी चलूं? वो एक्चुअली मेरा यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है और मैंने कभी पार्टी भी नहीं की, प्लीज। ठीक है चलो।
थैंक यू। वाओ, इतनी सारी दारू। वाओ रजत, तुम्हारे दोस्त का जुगाड़ तो बहुत सही है। तारीफ के लिए थैंक यू। Myself तन्मय। Hi, myself Sonia, रजत की फैमिली पे। Oh nice, drink करती हो? कभी-कभी, थोड़ी बहुत। Yellow फिर। Thank you. Cheers. Cheers. Enjoy. यार रजत। तेरे घर में इतनी खूबसूरत लड़की है पर तू कहाँ अपने स्टेप होम के पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है। देख पुरानी सिर्फ स्कॉच एंड वाइन ही अच्छी लगती है, लड़कियां नहीं, समझा? आज तेरे लकी गाय। आज बहुत मजा आया। अच्छा? हाँ। मेरे साथ रहेगी ना तो ऐसे मजे आते रहेंगे। रजत, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। तुम ना मुझे बहुत हॉट लगते हो। अच्छा? हाँ। सोनिया, 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 आंटी आई। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, आज तुम बहुत देर तक सोई थी, तबीयत तो ठीक है ना? ऑल गुड। मुझे वो हरिराम एक्सपोर्ट की फाइल चाहिए थी, रजत के पापा मांग रहे। आंटी मैं देती हूँ। अरे वो तुमने रजत को देखा है क्या? सुबह से उसको फोन ही नहीं लग रहा। आंटी मैंने उसे जॉगिंग पे जाते हुए देखा था। जॉगिंग? वो भी इतने सुबह सुबह? हाँ तो अच्छा है ना। हाँ ठीक है, चलो बाय आंटी। बाय बाय। बच गए आज तो। साथ बच गए, मैं तो डरी गई थी। रजत सुनो ना, कल रात को बहुत मजा आया। अब कभी भी तुम पार्टी में जाओ ना, मुझे जरूर ले जाना। पक्का? बिट्टू माधुरी ऑफिस माटे निकलू छू। ये देखिए अपने बेटे के बिगड़ने के नतीजे, उसके रूम से मिला। और सिर्फ यही नहीं, पिछले महीने 1,00,000 रुपया उसने खर्चा कर दिया।
और 2 साल हो गया उसकी स्टडी कंप्लीट करके, ना ही आप कोई नौकरी ढूंढने के लिए कह रहे हो और ना अपने बिजनेस पे लगाने के लिए, और ऐसे कब तक चलेगा? पापा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। सिगरेट पीवाओ माटे? नहीं पापा, वो मेरा नहीं है, वो मेरा दोस्त है ना तन्मय, उसकी वो गलती से मेरे पास रह गई थी पापा। आई स्वेयर पापा, आपकी कसम, मेरी नहीं है ये। झूठ झूठ मत बोलो। एक मिनट माधुरी, मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, और खास करके मेरी झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खा सकता। देखो बेटा, आई ट्रस्ट यू, मगर तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम अब छोटे नहीं रहे। हर बात में पापा से पैसे नहीं मांग सकते तुम। अगर तुम जॉब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, उसे ज्वाइन कर लो। But you need to be more responsible. बिजनेस ने जो ऑफर आपी है, विचार जाए। ये लो, पियो। मुझे पानी नहीं चाहिए। अरे बाबा, पानी नहीं है ये। वोडका? ये कहाँ से मिला तुझे? तन्मय से लिया। तन्मय? हाँ। तन्मय बिना पैसे के ये वोडका क्या? एक पैक भी नहीं पिलाएगा कभी। अरे बाबा, मुझे भी फ्री में नहीं दिए, बोला तुमसे पैसे बाद में ले लेगा। मुझसे लेगा? हाँ। और पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ, मेरा बाप मेरे को 1 महीने तक सैलरी देने नहीं वाला है अभी। बाबा एक आइडिया है मेरे पास। क्या नाम बताया? सोनू। सोनू? हाँ सोनू जी, थैंक यू सो मच, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ हैं इसके लिए। एक्चुअली क्या है, हमारा जो मैकेनिक है उसे अर्जेंटली गांव जाना पड़ गया है, 3 गाड़ियाँ खराब है और क्लाइंट की डिलीवरी रुकी हुई है। रजत बेटा, थैंक यू सो मच सोनू को लाने के लिए। पापा, सोनू जी ने सारी गाड़ियाँ चेक कर लिया। बताइए। मैंने सारी गाड़ियाँ देख ली है, 25,000 का खर्चा आएगा। 25,000? जी सर। अंकल, गाड़ियाँ भी तो बहुत पुरानी हो गई है, खर्चा तो आएगा ही। ठीक है, आप अकाउंट से पैसे ले लीजिए और प्लीज काम जल्दी से पूरा कर दीजिएगा। ठीक है सर। बाबा एक आइडिया है मेरे पास। देखो, सबसे ज्यादा खर्चा गाड़ियों को बनाने में लगता है और यहाँ का मैकेनिक गांव गया हुआ है, तो अगर हम अपना किसी आदमी को यहाँ पे काम पे लगा दें तो गाड़ी सही करने के बहाने हमारे पास पैसे आ सकते हैं। क्या कहते हैं?
रजत, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। तुम्हारी घटिया गाड़ी बीच हाईवे पे रुक गई, मेरा लाखों का सामान खराब हो गया। क्या अंकल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ चिल मारो ना थोड़ा, मेरा भी सर दुखेगा और आपका भी सर दर्द होगा, वरना चिल करो। अच्छा? बैठो। मेरा यहाँ लाखों का सामान खराब हो गया और तू ऐसी बात कर रहा है? मेरे 3 लाख मुझे अभी चाहिए, अभी की अभी। 3 लाख चाहिए? हाँ। 1 लाख 2 लाख 3 लाख मैं तेरी जान ले लूंगा। बातुर जी, एक मिनट प्लीज, क्या कर रहा है तू? हाँ श्रेयस, बातुर साहब, वी आर रियली सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस बॉस, तुमने तुम्हारा पैसा मरी जैसे। शर्मा जी, इनका हिसाब क्लियर कर। मैं तुम्हारे बेटे के खिलाफ केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। शर्मा जी, आंखों हिसाब क्लियर करो। एमनो क्या कर रहा था तू? शराब पी रखी है वो भी ऑफिस में? सॉरी पापा। एक और लफ्ज नहीं बोलेगा तू, यहां और तमाशा नहीं कर रहा। जा यहां से पापा। मैंने कहा जा यहां से। जा। रजत मेरे भाई, पार्टी खत्म हो गई, अब बस कर, कितना पिएगा? यार आज एक दिन ढंग से पी लेने दे यार, कल से मेरा बाप मेरे को कम से कम 6 महीने तक घर से बाहर निकलने नहीं देगा। क्या हुआ, घर से बाहर नहीं निकल सकता तो एक काम कर, घर में तो पी सकता है ना, ये लेके जा। ये तो वो इंपोर्टेड वाली है ना? हाँ मेरे भाई, खास तेरे लिए मंगवाई है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ। एक काम कर, ये सब भी ना पैक करके दे देता हूँ, घर पे लेके जा और एंजॉय कर। ये स्पेशल। ये ले यार। भाई थैंक यू। काश अब वो मेरे पास खुद आ जाए। आप ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे पापा को बोलूं कि वो इस काम में नहीं चाहते? नहीं पर प्लीज। बोतल में तो शराब है, मतलब रजत ऑफिस में बैठकर शराब पीता है। सर आपसे कुछ बात करनी।
हाँ बोलो सर, वो जो रजत सर नया मैकेनिक लेकर आए हुए थे वो फ्रॉड है। ड्राइवर ने उस गाड़ी का वायर कट करते हुए पकड़ लिया था। हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाले थे, लेकिन उसने बताया कि ये सब रजत सर के कहने पर किया है। रजत सर गलत गलत खर्चे दिखाकर कंपनी से पैसे उठा रहे थे। हाँ माधुरी, क्या? हाँ मैं भी आया, बस अभी आया। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये हो क्या रहा है? आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? सर जो वारंट है आपके पास? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आपका बेटा शराब बेचता है। हा? पापा ये झूठ कह रहे हैं, मैं कुछ शराब वराब नहीं बेचता हूँ। सर रूम में से बैग मिली है। बोलो सर। सर ये पूरा बैग भरा हुआ है बोतलों से। क्या है सब? क्या है? इंस्पेक्टर साहब, पापा आप कुछ गलत मत समझिएगा। मैं मानता हूँ कि मैं दारू पीता हूँ, लेकिन मैं दारू बेचता नहीं हूँ पापा। मिस्टर रजत, तुम्हें पता है गुजरात में शराब पीना, शराब बेचना इलीगल है। ले चलो सर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बैठे बैठ के बात करते ना, प्लीज आइए ना। जो भी बातें होंगी थाने में होंगी। ले चलो से। अरे चलिए सर, पर पापा बताइए ना इनको, मैं नहीं बेचता हूँ दारू पापा। टेंशन वो सेटिंग करो चुके। यहाँ पे क्या कर रहे हो? तेरा काम हो गया, रजत दारू के साथ पकड़ा गया और जेल भी चला गया। अब मेरे बाकी के पैसे कब देगी? काश मेरा बेटा भी तेरे जैसा मेहनती होता, अब पता नहीं इतना बड़ा बिजनेस वो कैसे संभाल पाएगा। 2 साल से ये पूरा बिजनेस मैं संभाल रही हूँ, इतना प्रॉफिट कराया, फिर भी ये बिजनेस अपने बिगड़े हुए बेटे को दे देगा? नहीं, कैसे भी करके मुझे रजत को अपने रास्ते से हटाना होगा। अभी के लिए 1 लाख, बाकी के 4 लाख बाद में दूंगी। लेकिन तुम्हें कैसे भी करके रजत को दारू की 8-10 बॉटल लेके घर जाने के लिए मनाना होगा। हो जाएगा। अरे पापा दे दूंगी, सुरेश अंकल जैसे ही अपना बिजनेस मेरे नाम करेंगे। लेकिन तब तक मैं किसी और तरीके से भी पेमेंट कर सकती हूँ। वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे? दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें ऐसे करने नहीं दे सकती। माधुरी मेरी बात समझने की कोशिश करो, रजत मेरा अपना खून है, मेरा बेटा है इकलौता, मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने दे सकता। अच्छा मतलब तुम रजत को बचाने के लिए उस बेचारे गरीब ड्राइवर को फंसा सकते हो, उसे जेल में भेज सकते हो? माधुरी मैं अभी को नहीं फंसा रहा, उसे पैसों की जरूरत है। अगर वो पुलिस को ये कह देगा कि उसने रजत के कमरे में दारू की बोतल रखी तो उसे सिर्फ 7 साल की सजा होगी। बदले में मैं उसके परिवार को इतना पैसा दूंगा कि 70 साल में भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। समझने की कोशिश करो। सुरेश तुम्हारे इसी आदत की वजह से आज वो रजत बिगड़ गया। देखो पेरेंट्स का फर्ज सिर्फ उनकी जरूरत पूरी करनी नहीं होती, पेरेंट्स का फर्ज उन्हें डिसिप्लिन सिखाना भी होता है। माधुरी बात सिंपल है, मैं रजत को जेल नहीं भेज सकता। ठीक है तो फिर मैं ऐसे आदमी के साथ भी नहीं रह सकती जो बेगुनाह आदमी को अपने बेटे की वजह से उसे जेल में भेजे। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। माधुरी ये क्या कह रही हो तुम? माधुरी मेरी बात तो सुनो। देख सोनी, रजत जेल जाए या ना जाए,
मुझे मेरे बाकी के 4 लाख रुपए चाहिए। अरे बाबा दे दूंगी, पहले मुझे ड्रग्स चाहिए, वो भी पूरा एक पैकेट। सोनिया तू पागल हो गई है, 1 ग्राम की कीमत पता है तुझे? बिना पैसे के नहीं दूंगा मैं। अरे मैं थोड़ा दिमाग से काम ले। सुरेश अंकल की प्रॉपर्टी पता है ना कितने करोड़ की है? एक बार बस मेरे नाम हो जाने दे, फिर तुझे 10 गुना ज्यादा दूंगी, समझा? अब चले। अब आएगा ना मजा, अब जब ये मिलेगा पुलिस को रजत के कपबोर्ड से, तब सुरेश अंकल चाहते हुए भी अपने बेटे को बचा नहीं पाएंगे। थैंक यू। ये बात अगर मुझे पहले पता चल जाती तो सुरेश अंकल तो उसे ऐसे ही बाहर कर देते, मुझे खामा का इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। सीधा तन्मय से मिलने गया ये जानने के लिए कि पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चलेगा, लेकिन कुछ भी पूछने से पहले मुझे सब कुछ पता चल गया। सुरेश अंकल की प्रॉपर्टी पता है ना कितने करोड़ की है? एक बार बस मेरे नाम हो जाने दे, फिर तुझे 10 गुना ज्यादा दूंगी, समझा? अब आएगा ना मजा, अब जब ये मिलेगा पुलिस को रजत के कपबोर्ड से, तब सुरेश अंकल चाहते हुए भी अपने बेटे को बचा नहीं पाएंगे। थैंक यू। रजत तू यहां? साले तू दोस्त था ना मेरा, हाँ फिर मुझे फंसाने का प्लान क्यों बनाया? I'm sorry, Rajat. प्लीज मुझे माफ कर दो, बदले में मैं ये फोटोज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। जिंदा बचेगी तो किसी को कुछ बताएगी ना?
बेटा रजत, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ पापा, I'm sorry. वो पापा, दारू की आदत लग गई थी ना, और अभी अचानक से मैंने छोड़ दी तो अजीब अजीब सा लग रहा है बस. बेटा सबसे पहले तुम आकर बैठो. आओ आओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा. बहुत अच्छा किया बेटा तूने दारू छोड़ दी. माधुरी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया. सोनिया से कहा था कि सामान मेरे घर पे भेजने के लिए, लेकिन अब उसका फोन नहीं लग रहा. एक्चुअली माधुरी, सोनिया बिना बताए अचानक से घर छोड़कर चली गई है. बस एक लेटर छोड़कर गई है कि उसे भी तुम्हारी तरह मेरा रजत को बचाना सही नहीं लगा. उसने ठीक किया सुरेश, अगर तुम रजत को उसकी गलती की सजा नहीं दोगे तो वो कभी नहीं सुधरेगा. माधुरी, मेरा रजत बदल चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा. तुम घर जाकर अपना सामान ले सकती हो. माधुरी घर पे आ रही है. अरे अरे, बैग तो रजत के रूम में ही रह गया. हेलो सुरेश पटेल. हाँ जी. जितना जल्दी हो सके आप अपने बेटे रजत को लेकर पुलिस स्टेशन आइए. पुलिस स्टेशन क्यों? हमें हाईवे पर रजत के फ्रेंड सौम्य और तन्मय की बॉडी मिली है जिसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं. फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मेरे बेटे के? इंस्पेक्टर साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए. देखिए फिंगरप्रिंट्स तो आपके बेटे के ही हैं, क्योंकि हमने जब उसे शराब वाले केस में अरेस्ट किया था तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए थे और ये वाले फिंगरप्रिंट्स उस वाले फिंगरप्रिंट्स से मैच कर रहे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द उसे लेकर आइए. ये फोटो अच्छी है ना, मैंने खींची है. बहुत अच्छी है. रजत, रजत छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, रजत छोड़ो, रजत तो छोड़ो, छोड़ो मुझे. मुझे तुम्हारे नियत पे पहले से ही डाउट था, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो. रुको मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हारी असलियत बताती हूँ. कहाँ जा रही हो? रजत कहाँ जा रही हो? रजत छोड़ो मुझे. चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, मेरे बूढ़े बाप के साथ रह रहे के फ्रस्ट्रेट हो गई होगी ना. रजत मुझे प्लीज छोड़ो. सारी फ्रस्ट्रेशन एक साथ निकाल दूंगा. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ तो चुपचाप से एंजॉय करो. रजत प्लीज, अब तुम्हें पता चलेगा कि असली मजे क्या होते हैं. छोड़ो रजत प्लीज, रजत प्लीज छोड़ो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो. रजत, रजत प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, रजत मुझे छोड़ो. डिनर के लिए रजत, रजत छोड़ो, रजत छोड़ो. पापा, सुरेश, सुरेश ये मेरा रेप कर रहा था. नहीं 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 पापा, मैं वो पापा वो मैं पीछे पूरी दुनिया से लड़ा मैं तेरे लिए. सबने कहा था मुझे कि तुझ पर भरोसा ना करे, तुझे एक और मौका ना दे, पर मैंने तुझे एक नहीं कई मौके दिए और तूने मुझे माफ कर दो माधुरी. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो.
चलिए